गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। प्रथम तो भगवान स्वामीनारायण के चरणों में वंदन के साथ हमारे गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और प्रगट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में वंदन के साथ आप सभी सह्याद्री परिवारजन, विशेषतः श्री विलास जी, आप सभी सह्याद्री के कर्मचारीगण, जो किसान यहाँ पधारे हैं, और आप सभी सह्याद्री परिवारजन को हमारे नमस्कार। जय स्वामीनारायण और गुड इवनिंग। आज यहाँ आना हुआ मैं और मेरे साथी संत सब अपने आप को भाग्यवान समझते हैं कि ऐसे एक परिवार को आज मिलना हुआ। विलास जी ने हमें ये पूरी फैसिलिटी दिखाई और एक व्यक्ति अगर तय करे और सब साथ में सद्भावना से, जो हमारा शब्द प्रवचन का मुख्य है, कोलैबोरेशन, संगठन भाव, एकता, एकजुट में साथ रहे तो क्या कुछ हो सकता है। यह सह्याद्री फार्म में आके ज्यादा प्रतीति आई। पता तो था लेकिन प्रतीति ज्यादा आई। इसलिए आप सभी को बीएपीएस संस्था की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। एक व्यक्ति ने, विलास जी ने एक नेम ली, अच्छी पढ़ाई की, मास्टर्स तक की एजुकेशन प्राप्त की, और एक विचार आया कि जब तक किसान अपनी जो खेत की पैदाश है वो खुद लेके बाजार में जाएगा, खुद ही सब कुछ करने का प्रयत्न करेगा, या तो खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। एक ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए किसान को मदद करने के लिए। एम आई राइट? तो एक अच्छी तरह से ये एक सिस्टम यहाँ तय की गई। विकास भी होगा और विकास के साथ प्रॉस्पेरिटी, जिसको हम समृद्धि बोलते हैं, वो भी आएगी। एक इंटीरियर रीजन में, एक गांव प्रदेश में एक ऐसी संस्था खड़ी करना, इतने सारे लोगों को रोजगार की एक अपॉर्चुनिटी देना, और इतने सारे किसान, कितने 12,000 जो यहां सह्याद्री से जुड़े हुए हैं, इतने सारे किसान को साथ में लेकर चलना, वो एक बड़ी कामयाबी है। इसके लिए विशेषतः हम विलास जी को भी बहुत अभिनंदन देते हैं। तो बात है, जो प्रवचन में जो विषय दिया गया है, द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, व्हेन यू कम टुगेदर यू कैन क्रिएट। जब आप साथ में आते हो तब आप बहुत बड़ा सर्जन कर सकते हो। इतनी ताकत संगठन भाव में है, इतनी ताकत सिंफनी में है, इतनी ताकत टीम वर्क में है। कोई भी प्रकार का, किसी भी हिसाब से एक कोऑपरेशन शुरू होता है, ट्रेमेंडस
एनर्जी जनरेट होती है. एनी टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर जनरेट्स एनर्जी. एनी टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर इट जनरेट्स एनर्जी, इट जनरेट्स पॉजिटिविटी, इट जनरेट्स वर्क, इट जनरेट्स प्रॉस्पेरिटी, इट जनरेट्स ग्रोथ एंड ऑल सक्सेस इन लाइफ. एम आई राइट? तो इतनी ताकत है इसमें. और मैंने पूछा विलास जी से कि आपके एम्प्लॉयज में ग्रेजुएट या ग्रेजुएट से परे कुछ पढ़े हुए हैं, वे कितने हैं? तो बताया कि 70-80% यहाँ ग्रेजुएट या ग्रेजुएट से आगे पढ़े हुए हैं. ये भी एक बहुत बड़ी बात है. तो कोलैबोरेशन से क्या हो सकता है, हम जो मुख्य विषय की चर्चा करने जा रहे हैं, कि एक व्यक्ति से कुछ हो सकता है, दो व्यक्ति साथ में आए तो कुछ ज्यादा हो सकता है, तीन व्यक्ति साथ में आए तो कुछ बेहतरीन हो सकता है, चार व्यक्ति साथ में आए तो सिद्धि की सीढ़ियां शुरू हो जाती है, और फिर जैसे जैसे ज्यादा लोग साथ में आए सभी की तरक्की होती है, प्रगति होती है, सफलता की ओर आप चल सकते हो. कोलैबोरेशन में जबरदस्त शक्ति है, कोलैबोरेशन में जबरदस्त पावर है. वो आप सभी ने भी महसूस किया होगा कि अगर आप यहां सह्याद्री फार्म अगर नहीं होता तो आप में से कहीं को यहां गांव में से शहर को जाना पड़ता, शहर में कोई नौकरी ढूंढने के लिए जाना पड़ता, आपको यहां अपने गांव में अपने गांव के विकास के लिए कुछ भूमिका अदा करने का ये एक मौका यहां बैठे जो मिला, वो ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर यहां खड़ा हुआ और हमने आज बधाई भी दी है, इच्छा भी व्यक्त की है और प्रार्थना भी की है कि सह्याद्री फार्म की जो ब्रांड वैल्यू है वो एक दिन अमूल के बराबर होनी चाहिए. वही मॉडल है, मॉडल तो वही है, एंड ग्रोथ इज पॉसिबल, तो कर सकते हैं. कभी डॉक्टर कुरियन साहब ने अमूल जब चालू की थी, शुरुआत के दिन थे, शुरुआत के वर्ष थे, तब इसी प्रकार की व्यवस्थाएं और यही मार्ग से आगे चले होंगे. हम वही मार्ग पे हैं जिस मार्ग से डॉक्टर कुरियन ने अमूल को एशिया की नंबर वन ब्रांड बनाई, तो हम भी कर सकते हैं. इफ समबडी कैन डू, कैन आई डू? यस और नो? अगर कोई कर सकता है तो मैं कर सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना? कर सकते हैं. अगर कोई लोग साथ में आके कुछ कर सकते हैं तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ या ना? दुनिया के कोई भी कोने में साथ मिलकर कोई एक जूथ एक बड़ा काम कर सकते हैं तो हम भी यहां मोहाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हैं. द पावर ऑफ कोलैबोरेशन. एक अच्छा प्रसंग आपसे शेयर करना है कि जब कोलैबोरेशन आता है, टीम वर्क आता है, जो हर क्षेत्र में चाहिए, कोई भी क्षेत्र आप ले लो, वहां जब टीम वर्क आता है, कोलैबोरेशन आता है, साथ में रहकर काम करना है, वो एक निर्णय होता है. एक दूसरे की एनर्जीज शेयर होती हैं, एक दूसरे की टैलेंट्स पुल इन होती हैं, एक दूसरे का अनुभव एक्सपीरियंस जब साथ में मिलता है, तब कितनी दूरी तक संस्था जा सकती है, क्या परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, क्या नतीजा मिल सकता है, वो अकल्पनीय है. 2002 में जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, तब फाइनल्स में ब्राजील और जर्मनी थे. देखो पावर ऑफ कोलैबोरेशन क्या है.
उस वक्त जर्मन डिफेंस बहुत स्ट्रांग था। जर्मनी के फुटबॉल टीम के कैप्टन मिस्टर ओलिवर कैन, ही वॉज द गोली ऑफ द जर्मन टीम। वो एक दीवार की तरह गोल के सामने खड़े रहते थे और जर्मन डिफेंस भी बहुत पावरफुल था, उनको पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं था। सामने ब्राजील अटैक भी बहुत पावरफुल था, तो इट वॉज अ मैच इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। उस वक्त तक 2002 तक सबसे ज्यादा व्यूअरशिप कोई एक स्पोर्टिंग इवेंट या कोई भी एक इवेंट को मिली हो तो वो ये 2002 वर्ल्ड कप फाइनल को मिली थी, क्योंकि ब्राजील अटैक में रिवाल्डो थे, रोनाल्डिनो थे और रोनाल्डो थे, तीन पावरफुल आर्स थे। और वहां उनके सामने जर्मन वॉल को पेनिट्रेट करना, वो भी वो डिफेंस को पेनिट्रेट करना, वो भी मुश्किल था, नामुमकिन था। इट वॉज अ मैच इन द हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट। फर्स्ट हाफ तक कुछ नहीं हुआ, सेकेंड हाफ भी आधा चला गया तब कुछ नहीं हुआ, मतलब 70-75 मिनट की रमत पूरी हुई तब तक कुछ नहीं हुआ। नाउ ब्राजील अटैक वॉज कमिंग टू इट्स एज कि अभी कुछ तो 15 मिनट बाकी है, 90 मिनट की ये गेम होती है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखो पावर ऑफ कोलैबोरेशन क्या है, टीम वर्क क्या है, साथ में मिलकर करना है तो क्या परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो जर्मन डिफेंस मैं जो खड़ा हूं इस तरह से, ओलिवर कैन खड़े थे, उनके लेफ्ट हैंड साइड से डीप में से रिवाल्डो अटैक लेके आया, मतलब बॉल लेके आया। जर्मन डिफेंस सामने आ गया, उन्होंने सोचा कि मेरे से यह गोल नहीं होगा। उसने वहां से पास किया सेंटर ऑफ द ग्राउंड में, रोनाल्डिनो लेके आए थे, रिवाल्डो को बीच में पास किया और रोनाल्डो जो मुख्य अटैकर था वो राइट में था। अब पास रोनाल्डिनो ने रिवाल्डो को दिया। अब रिवाल्डो ने अपनी बुद्धि, अपना अनुभव दोनों का इस्तेमाल करते हुए देखा कि पूरा जर्मन डिफेंस सेंटर की ओर दौड़ रहा था और पता चला कि अगर मैं गेंद को टच करूं या कोई भी करामत करूं मैं गोल नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड, उन्होंने स्पॉट डिसीजन लिया और डमी किक बनाई, मतलब किक मारी लेकिन किक बॉल के ऊपर से घुमा दी, बॉल को टच नहीं किया। बॉल के ऊपर से घुमाई तो पूरा जर्मन डिफेंस जो बहुत क्लोज था वो घूम गया, क्योंकि शायद बॉल फेस पे ना आ जाए इसलिए घूम जाते हैं, फ्री किक में घूम गए, मतलब उनकी आंखें गेंद पर नहीं रही और बॉल सीधा राइट को रोनाल्डो के पास पहुंच गया और करीबन 100 फीट के डिस्टेंस से रोनाल्डो ने शूट किया और गेंद सीधी गोल पोस्ट में आई। बिफोर जर्मन डिफेंस या ओलिवर कैन को कुछ पता चले उसके पहले गोल हो चुका था। द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, द पावर ऑफ गेटिंग यूनाइटेड टू वर्क। लेकिन ये दोनों पावर कहां से आते हैं? जब आप एक टीम प्लेयर बनते हो, व्यक्तिगत इच्छा कम कर देते हो, व्यक्तिगत तमन्नाएं को दबा देते हो और टीम की सोचते हो, सभी की सोचते हो, तभी यह संभव है, वरना यह संभव नहीं है। तो कहने की बात यह है कि साथ में आते हैं तो काम होता है। पावर ऑफ कोलैबोरेशन क्या है? साथ में आते हो तो काम होता है, परिणाम प्राप्त होता है, सिद्धियां मिलती हैं, इसकी यह ताकत है। बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु है स्टीफन कोवी, उन्होंने एक बहुत अच्छा पुस्तक लिखा है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जो यहां कर्मचारी गण है, आप सब पढ़े लिखे हो, आप सभी को यह पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। आप ऐसा करना कि यहां एक छोटी सी लाइब्रेरी भी डेवलप करना है ना,
तो उसमें इस प्रकार के भी पुस्तक रखना शायद होंगे भी सही। तो इन्होंने लिखा है, स्टीफन कवी आया वहां, हार्वर्ड के एलमनाई थे, उन्होंने सोचा कि सक्सेस के लिए, सिद्धि के लिए कोई कॉमन फॉर्मूला तो बननी चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो कुछ होनी चाहिए, और होगी भी सही, मैं उसको ढूंढ निकालता हूं। 3000 से ज्यादा सफल व्यक्तियों को वे मिले, सफल सिर्फ अपने कार्यक्षेत्र में नहीं, सफल सिर्फ अपने सामाजिक क्षेत्र में नहीं, लेकिन पिता के रूप में या माता के रूप में सफल, भाई या बहन के रूप में भी सफल, अपने कार्यक्षेत्र में, अपने व्यापार में, अपने सामाजिक क्षेत्र में भी सफल, सभी क्षेत्र में सफल, ऐसे 3000 व्यक्ति को मिले, उनके साथ वार्तालाप किया, कुछ प्रश्न उनको पूछे, उनके पास से कुछ उत्तर प्राप्त किए, उनकी जीवन यात्रा अच्छी तरह से पहचानी, जीवन यात्रा की जांच की, और इन सभी को लेके ये पुस्तक लिखा, 7 Habits of Highly Effective People, मतलब अति सफल व्यक्ति उनकी जीवन की ये 7 आदतें जो उन्होंने कॉमन सभी में देखी। ये माना जाता है कि ये पुस्तक मैनेजमेंट क्षेत्र में सबसे आज तक, लिखा गया था 80 की साल में, लेकिन आज तक सबसे ज्यादा अगर कॉपी बिकी है तो इस पुस्तक की। उसमें 7 आदतें, मैं डीप में नहीं जाता हूं, जो आज का विषय है पावर ऑफ कोलैबोरेशन, उसमें जो 6th habit है वो ठीक तरह से मैच होती है। उन्होंने बोला कि एक अच्छा नया शब्द उन्होंने कॉइन किया है और वो है सिनर्जी। हम एनर्जी बोलते हैं मतलब शक्ति, एनर्जी नहीं, सिनर्जी मतलब क्या, अब सुनना, सिनर्जी मतलब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब साथ में आते हैं, साथ में काम करने का निर्णय लेते हैं, साथ में कुछ काम करना शुरू करते हैं, मतभेद भी होते हैं, कभी थोड़े मनभेद भी होते हैं, फिर भी यही तय करके बैठते हैं साथ में तो रहना ही है, साथ में ही काम करना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आ जाते हैं और वो काम करते हैं, वो काम जब सफल होता है, वो सफल काम में से जो आनंद मिलता है, वो आनंद के बाद और भी दूसरा काम साथ में मिलकर करे, वो एक एनर्जी मिलती है, उसको सिनर्जी बोलते हैं, पावर ऑफ कोलैबोरेशन, कि साथ में रहे, साथ में काम किया, सफलता मिली तो दूसरा प्रोजेक्ट भी साथ में करना है, साथ में करेंगे और दूसरी सफलता प्राप्त करेंगे। ये जो इच्छा हुई, इच्छा के बाद जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी को सिनर्जी बोलते हैं। स्टीफन कवी इस पुस्तक में लिखते हैं कि सिनर्जी से उन्होंने शब्द प्रयोग किया है कि यू कैन अटेन अनइमेजिनेबल हाइट्स, अकल्पनीय अकल्पनीय सिद्धि आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सभी की एकेडमिक्स, सभी की टैलेंट्स, सभी के एक्सपीरियंसेस, सभी के नोहाउस, सभी के प्लेटफॉर्म्स, सभी के बैक सपोर्ट सिस्टम्स, सब पुलिन होती हैं और वो एक वास्ट पूल बनता है, तो ये कोलैबोरेशन से इतना बड़ा काम होता है। तो ये 3000 सफल व्यक्तियों ने स्टीफन कवी को ये बताया कि हमारी सिद्धि का रहस्य है हम कहीं लोगों को साथ में लेकर चल सके। सिद्धि का रहस्य क्या बताया, कि कहीं लोगों को हम साथ में लेकर चल सके। अकेले आप टैलेंटेड हो, आप कुछ कार्य कर सकते हो, साथ में आए तो बड़ा कार्य कर सकते हो। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत इसके लिए है, इंडिविजुअल टैलेंट्स कैन विन मैचेस बट ओनली एफिशिएंट टीम वर्क कैन विन टूर्नामेंट्स।
एक दो व्यक्ति अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे दे तो कभी आप मैच जीत सकते हो, लेकिन टूर्नामेंट अगर जीतनी है, मतलब 5-7 गेम जीत के फिर टूर्नामेंट जीतनी है, विनिंग कप अपने हाथ में पकड़ना है, तो टीम वर्क चाहिए। ये कोऑपरेटिव सेक्टर जहां आप काम कर रहे हो वो टीम वर्क और कोलैबोरेशन से चलता है। इंडिविजुअल टैलेंट कितनी भी हो, अब ये सुन लेना ठीक से, इंडिविजुअल एकेडमिक्स कितना भी हो, मैंने बोला छोटी सी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपना जीवन गुजरान कर सकते हैं, लेकिन बड़ा इतना काम करना है समाज में तो इंडिविजुअल टैलेंट्स को साथ आना पड़ता है। इंडिविजुअल टैलेंट्स कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर ठीक तरह से गेम प्लान और मैच प्लान या वर्क प्लान अगर अच्छी तरह से सोची नहीं, तो आप कितने भी टैलेंटेड प्लेयर्स आपके टीम में हैं तो भी आप T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सामने 10 विकेट से हार जाते हो। टैलेंट कम नहीं थी, हाँ भारत के पास टैलेंट कम नहीं थी। KL राहुल ले लो, रोहित शर्मा ले लो, विराट कोहली ले लो, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैटिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड, टैलेंट बहुत थी। हम ये नहीं कहते हैं कि टीम वर्क नहीं था, हम ये नहीं कहते कि यूनिटी नहीं थी, हम ये कहना चाहते हैं कि टैलेंट कितनी भी हो, कभी कोई टैलेंट खिल जाती है, काम कर लेती है, तो आप मैच जीत भी लेते हो, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको टीम वर्क और कोलैबोरेशन चाहिए, वरना आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते हो, लंबे तक नहीं चल सकते हो। इंडिविजुअली यू कैन बी अटैक्ड, कलेक्टिवली यू हैव अ पावरफुल डिफेंस। हाँ या ना? इंडिविजुअली आप पे कोई हमला कर सकता है, लेकिन कलेक्टिवली होते हो तब आपका डिफेंस बहुत स्ट्रांग होता है। तो अटैक करने वाले को भी ग्रुपिंग करना पड़ता है, शेर भी अकेला शिकार नहीं कर सकता है, उसको भी 4-5 साथी चाहिए, कोलैबोरेशन से ही काम होता है। देखिए ना वीडियोस डिस्कवरी में, BBC पे, तो ये बात बनती है। 2006 में ऑस्कर, अमेरिका में जो ऑस्कर अवार्ड्स मिलते हैं फिल्म को, उसमें शॉर्ट फिल्म्स की भी एक एंट्री होती है, उनका एक सेक्शन होता है, उसमें 2006 में जिस फिल्म को अवार्ड मिला वो फिल्म 7 मिनट की थी। ये शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में मैक्सिमम 10 मिनट अलाउड है। ये 7 मिनट की फिल्म में कोई डबिंग नहीं था, मतलब कोई आवाज नहीं था, मतलब साइलेंट मूवी थी। कोई कैरेक्टर नहीं था, मतलब कोई जीवंत व्यक्ति नहीं था, कोई बड़ा नाम हो एक्टर का वो भी नहीं था। कोई म्यूजिक नहीं था। अब आप सोच सकते हो कि इस प्रकार के फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिल सकता है क्या? फिल्म में म्यूजिक ना हो, कोई लाइव कैरेक्टर ना हो, कोई वार्तालाप ना हो, एक भी डायलॉग ना हो, साइलेंट मूवी हो, तो इसको इस जमाने में क्या अवार्ड मिल सकता है? फिर भी मिला, और वो भी ऑस्कर मिला। वो फिल्म क्या थी? एक जर्मन फिल्म थी। तो ये फिल्म में एक डिस्क थी, इतनी चौड़ी होगी शायद, और 5-6 गुड़िया एक एक कोने पे खड़ी थी, और वो डिश को सेंटर सपोर्ट था, तो सेंटर सपोर्ट मतलब ग्राउंड से 4-5 फीट ऊपर ये डिस्क, वो बीच में सेंटर सपोर्ट के सहारे वहां खड़ी थी, ऊपर से एक ऑर्नामेंट गिरा, तो ये 4-5 गुड़िया लालायत हो गई कि मैं दौड़ के वो ले लूं, लेकिन एक दौड़े
तो वो डिस्क इम्बैलेंस हो जाती थी, बाकी की पांच शायद गिर जाए ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती थी, तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती थी कि मेरी वजह से ये पांच गिर जाएगी। दूसरी कोई गुड़िया ने ट्राई किया तो यही परिस्थिति, तीसरी ने ट्राई किया वही परिस्थिति, फिर ये पांच छह गुड़िया उन्होंने एक दूसरे के साथ संज्ञा से काम किया कि हम एक साथ ये रफ्तार में इतने छोटे छोटे कदम रखते हुए वहां तक पहुंचेंगे। बैलेंस, पावर ऑफ कोलैबोरेशन, एक आगे दौड़ेगा लेने के लिए तो बाकी के पांच गिरेंगे और शायद वो भी गिर सकती है ना, डिश इंबैलेंस हो जाती है। फिर ये छह पांच छह गुड़िया एक साथ आगे चली सेंटर की ओर, एज की ओर से सेंटर की ओर चली, पांच छह गुड़िया एक साथ वहां पहुंची और सभी को ये प्राप्त हुआ, सभी ने मिलकर इसका भुगतान किया, सभी ने मिलकर इसका आनंद लिया। अगर एक दौड़ के अगर आगे जाती तो शायद वो मिलता न मिलता वो भी एक प्रश्न था, वो भी गिर सकती थी, सब गिर सकते थे। ये फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला क्योंकि टाइटल क्या लिखा था, टुगेदर वी आर बेटर, टुगेदर वी आर बेटर। ये विचार इज सीडिंग गुडनेस जो आपका सूत्र है। गुडनेस का आप जब अपने अंतर में विचार की दृष्टि से भावना की दृष्टि से उसका बीज बोते हो, सीडिंग गुडनेस। और वो गुडनेस क्या है, अनेक प्रकार की गुडनेस है, लेकिन आप सभी के लिए सह्याद्री परिवार के लिए प्रथम गुडनेस क्या है, जो ये जर्मन फिल्म का टाइटल था, टुगेदर वी आर बेटर, टुगेदर वी आर बेटर। वो प्रथम गुडनेस कोऑपरेटिव सेक्टर में सीडिंग आपके हृदय में आपको करना है। वो सीडिंग गुडनेस सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेटर पैड पे सिर्फ उसको वो छपा हुआ इसलिए पढ़ते हैं वो नहीं है, यू हैव टू सीड गुडनेस इन योर हार्ट्स एंड माइंड्स दैट टुगेदर वी आर बेटर। साथ में है तो हम सब समृद्ध हैं। तो मैंने आपको एक फुटबॉल का दृष्टांत दिया, मैंने आपको एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट की राय दी, मैंने आपको एक जर्मन फिल्म को ये अवार्ड मिला उसकी बात की। इन तीनों बातों से एक बात स्पष्ट होकर हमारे सामने आती है और वो है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपने प्रथम प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कोलैबोरेशन। हम साथ में रहेंगे तो हम खड़े रह पाएंगे, कहां तकलीफों के सामने, कहां अपनी प्रगति की राह पे, और अगर टूट जाएंगे बिखर जाएंगे तो सभी को पूरे जीवन तक शायद अफसोस हो सकता है, सभी को आर्थिक क्षेत्र में भी बड़ा घाटा आ सकता है, कहीं लोग अपनी रोजगारी भी खो सकते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। लेकिन एक कम नसीबी मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी कम नसीबी, और वो क्या है, एक कहावत है, वन इंडियन इक्वल टू थ्री जापानीज, मतलब एक भारतीय है उसमें इतनी ताकत है, इतनी श्रद्धा है, एक एटीट्यूड है कि वो तीन जापानीज का काम अकेला कर सकता है। ये कहावत को आगे ले जाते हैं, टू इंडियंस इक्वल टू वन जापानीज, ये कैसी फॉर्मूला हुई, वन इंडियन इक्वल टू थ्री जापानीज,
तो टू इंडियन मतलब कितना होना चाहिए लीनियर इक्वेशन से? बोले सिक्स होना चाहिए। ये कहावत बनी है बहुत समझ के, इसलिए मैंने बोला थोड़ी कम नसीबी है। वन इंडियन इक्वल टू टू थ्री जापानीज, बट टू इंडियंस इक्वल टू वन जापानीज। मतलब जब दो हम साथ में आते हैं तब एक दूसरे की टांग खींचते, अपना अभिप्राय छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, अपनी मनमानी करने का प्रयत्न करते हैं, मैं जो कहूं वो सही है उसका आग्रह रखते हैं। आई एम मोर एजुकेटेड एंड मोर इंटेलिजेंट देन यू, सो यू शुड ओबे मी। मैं आपसे सह्याद्री फार्म में ज्यादा सीनियर हूं, आप मेरे हाथ नीचे काम कर रहे हो, तो आप ठीक है एक बार अपना अभिप्राय बताएं, लेकिन फाइनली तो आपको मेरा ही अभिप्राय स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप लोगों ने ये तालियां क्यों बजाई हो मुझे बताएं। यहां पावर ऑफ कोलैबोरेशन टूटता है, कोलैबोरेशन टूटता है। तो दो इंडियन मतलब एक जापानीज, मतलब दो साथ में आते हैं तो इस प्रकार की जो मैंने अभी वर्णन किया परिस्थिति खड़ी होती है, तो कितना काम कर पाते हैं? सिर्फ एक जापानीज जितना काम कर पाते हैं, क्योंकि आधा समय किसमें बिकता है? बाजू वाले का मतलब मेरे साथी का, मेरे साथी कर्मचारी का बुरा दिखाने में, बुरी रिपोर्ट ऊपर भेजने के लिए। हमने आपके ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक बग्स रखे हैं, पता है क्या हो रहा है? 90% तो ऐसी संस्थाएं में सब कुछ अच्छा चलता है, ठीक चलता है, इसीलिए तो इतना विकास दिखता है इतने कम समय में, 6-7 साल हुए। लेकिन जो 10% कमी रह जाती है उसकी बात मैं करता हूं, करनी चाहिए ना विलास जी? और ये कहावत में तीसरा भाग क्या है पता है? 3 इंडियंस इक्वल टू 0। लेकिन सह्याद्री फार्म में आज मैं देखता हूं कि ये कहावत आप सभी ने मिलके उसको गलत साबित की है। थ्री इंडियंस इज नॉट जीरो, थ्री इंडियंस व्हेन दे कम टुगेदर दे कैन क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस क्लास। हम कर सकते हैं। तो ये सब कहावत पुरानी है, कोई आपको बोले तो बोलना कि कभी हमारे सह्याद्री फार्म में कोई सभा हुई थी, वहां कोई संत आए थे, उन्होंने हमने ये कहावत के बारे में ठीक तरह से समझ करवाई थी। लेकिन ज्यादातर आम समाज में जब लीडरशिप ठीक नहीं होती है तब ये कहावत ठीक बैठ जाती है कि साथ में आते हैं तो फिर झगड़े हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एटीट्यूड हमारा क्या रहता है? मैं सही हूं, आप गलत हो। समझना किसको है? नहीं, किसको है? आपको। उंगली कहां जाती है? सामने वाले पे। तो कोलैबोरेशन टिकता नहीं है, पावर जनरेट नहीं होता है, सफलताएं नहीं मिलती हैं। इसका इलाज क्या है, इसकी रेमेडी क्या है? मैंने तो आपको ये प्रश्न, मैंने तो आपको ये व्यवस्था जो कम नसीबी है वो बताई, लेकिन इसका इलाज ये है, ओपन माइंडेड रहना। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, यहां जूनियर हो या सीनियर हो, लेकिन उसका विचार अगर अच्छा है और प्रगतिशील है तो वो विचार स्वीकार करने की तैयारी हर लेवल पे, हर स्टेटा पे चाहिए। दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी जो मैंने अभी पिछली 1 मिनट में कही वो टॉप मैनेजमेंट को ज्यादा लागू होती है, क्योंकि कई बार पढ़े लिखे लोग टॉप मैनेजमेंट ये सोचते हैं कि सभी अच्छे विचार हमको ही आते हैं क्योंकि हम MBA हैं। ये मान लेते हैं कि मैंने मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, मैंने MCOM किया है,
मैंने अच्छी एक ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की तो अच्छे विचार मुझे ही आते हैं। आप डिग्री के हकदार हो, सभी समृद्ध विचार के हकदार आप नहीं हो। समृद्ध विचार तो किसी को भी आ सकते हैं। आपको जान के शायद ताजुब होगा कि 80% विचार जिन्होंने इतिहास की करवट बदल दी है इस पृथ्वी पे, वे विचार क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारी को आया है। एक दृष्टांत आपको दूंगा। बहुत सालों तक ये सोच चली कि फुटबॉल में स्टेडियम्स भरे हुए होते हैं, टेनिस में स्टेडियम्स भरे हुए होते हैं, ये क्रिकेट में इतने भरे हुए क्यों नहीं होते हैं? टेस्ट मैच में 5 दिन के लिए तो 70-80% स्टेडियम खाली होता है, वनडे इंटरनेशनल में भर जाता है 50-50 ओवर में। लेकिन कुछ किया जाए कि फुटबॉल में जितने पैसे हैं, टेनिस में जितने पैसे हैं, उतने पैसे क्रिकेट में हम कैसे ला सके। चर्चाएं चली वहां ICC में, इंग्लैंड में। 3-4 घंटे की चर्चा के बाद कुछ अच्छे नतीजे पे नहीं आ सके। बन सकता है, कभी चर्चाएं चलती है लेकिन एक परिणाम पे नहीं आ सकते। तो एक क्लास 3 कर्मचारी, क्लर्क जिसको बोलते हैं, वो बाहर बैठे थे। उन्होंने कहा मीटिंग के बाद कि मेरे पास एक अच्छा सुझाव है, मैं कहूं, क्योंकि ये इस कक्षा के कर्मचारी को परमिशन तो लेनी पड़ती है कुछ बोलने के लिए टॉप मैनेजमेंट को। उन्होंने कहा कि आप क्रिकेट मैच 20 ओवर की कर दो तो जितने पैसे फुटबॉल में हैं और टेनिस में ना क्रिकेट में आ जाएंगे। तो मेरे और आपके जैसे कोई वहां होंगे, उन्होंने कहा ठीक चल रहा है तेरा, ये 50 ओवर में से तो 20 ओवर की करनी है क्या? उन्होंने बोला सर लोगों के पास 3 घंटे हैं देखने के लिए, 6-8 घंटे नहीं है, स्टेडियम भरा हुआ चाहिए। तो बोले हाँ। टिकट आपके भाव से आपको बिकानी है? तो बोले हाँ। स्पॉन्सरशिप मनी बड़े चाहिए? तो बोले हाँ। प्लेयर्स और टीम्स और मैनेजमेंट सभी को रिच बनना है? तो बोले हाँ। 20-20 इज द ओनली ऑप्शन। फिर इस पे सोच चली, फिर तय हुआ कि नहीं चलो T20 खेलते हैं। और T20 चालू हुआ, पूरी क्रिकेट को रिवोल्यूनाइज कर दिया कि नहीं? फुटबॉल और टेनिस में जितने पैसे इतने आ गए ना, क्या टीम्स बिकती हैं, प्लेयर्स क्या बिकते हैं, 10 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़ में एक एक प्लेयर बिकते हैं। जो प्लेयर शायद पूरी जिंदगी क्रिकेट खेलता तो इतने पैसे नहीं मिलते, उतनी एक IPL सीजन में उसको मिलते हैं। पावर ऑफ कोलैबोरेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ थॉट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पर्सन। मैं जिस संस्था से आता हूं, BAPS स्वामीनारायण संस्था, जो एक विश्व में समाज सेवा संस्था में जिनका धार्मिक बेस है, इस प्रकार की संस्थाओं में पूरी दुनिया में प्रथम 10 में से एक संस्था है। आप सभी ने शायद अक्षरधाम देखा होगा, देखा है गांधीनगर या दिल्ली में? जस्ट रेज योर हैंड्स, आपने अक्षरधाम देखा हो तो, कई लोगों ने देखा है। उस संस्था से मैं आता हूं। हमारे गुरुहरि जो प्रमुख स्वामी महाराज जिनका शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने इस संस्था को विश्व फलक पर रख दी। सिर्फ 50 साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 संस्थाएं खड़ी की, 1300 इंस्टीट्यूशंस इन 50 इयर्स इन आर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब 1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, रिलीजियस प्लेसेस एंड अक्षरधाम्स इन जस्ट 50 इयर्स। मतलब हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने एक संस्था की भेंट समाज को दी। हर 15वें दिन एक इंस्टीट्यूट खड़ी करना मतलब क्या? अरे एक शेड भी खड़ा नहीं होता है हर 15वें दिन। जमीन के संपादन से लेके लीगल प्रोसेस क्लियर करते हुए, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो फंड रेजिंग करते हुए, टेंडर्स डिश आउट करते हुए, कॉन्ट्रैक्टर्स तैयार होते हैं, कंस्ट्रक्शन पूरा होता है हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर का, और उसका उद्घाटन समारोह निर्मित होता है और वो समाज को भेंट वो संस्था हो जाती है। हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने ये समाज को एक संस्था दी। वो कैसे हुई,
संगठन भाव से, सुरद भाव से, एकता के भाव से, जिसको हम बोलते हैं द पावर ऑफ कोलैबोरेशन। हम 1200 संत हैं, हमारे यहाँ हार्वर्ड से MBA हुए हैं ऐसे भी संत हैं, और आदिवासी के झोपड़े में से आए हैं ऐसे भी संत हैं। दोनों एक सिस्टम में रहते हैं, दोनों एक प्रकार के कपड़े पहनते हैं, दोनों के लिए सुविधाएं एक जैसी हैं, और दोनों के लिए काम करने की अपॉर्चुनिटी एक जैसी है। दिस इज कॉल कोलैबोरेशन, इसको कोलैबोरेशन बोलते हैं। इसलिए ये संस्था इतनी बड़ी बढ़ गई। और एक अर्थ आपको पावर ऑफ कोलैबोरेशन का बताऊं। पहला अर्थ क्या बताया? संगठन भाव। और एक कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा उच्च अर्थ है, वो क्या है? एक बहुत अच्छी कहावत है अंग्रेजी में, When nobody in the team wants the credit of the work, you can't imagine to which level that team can work. आपने साथ में मिलकर काम किया और एक बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त की, लेकिन टीम में कोई मेंबर क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी वजह से यह हुआ है। जब टीम में यह भावना आएगी, पूरे सह्याद्री परिवार में यह भावना आएगी, थोड़ी थोड़ी है और भी ज्यादा है, लेकिन सर्वोच्च भावना यह आएगी कि मैं एक टीम प्लेयर हूं, मैंने काम किया फिर भी क्रेडिट किसी और को मिले तो भी वो सह्याद्री परिवार का मेरा ही भाई है, मेरी बहन है। ऐसा भाव जब आपके अंतर में प्रकट होगा, ये कोलैबोरेशन बोलते हैं। ये कोलैबोरेशन की एक उच्च भावना मैंने आपको बताई। आई डोंट केयर हु गेट्स द क्रेडिट, आई ओनली केयर फॉर सक्सेस ऑफ आवर टीम। समृद्धि मिली, सफलता मिली, क्रेडिट तो किसी को भी मिले उसमें आप खुश रहना। ये मत सोचना कि यार काम तो मैंने किया था, बॉस ने उसकी सिफारिश कर दी आगे। ये मत सोचना कि मैंने मजदूरी यहां की थी लेकिन प्रमोशन तो उसको मिल गया। ये थोड़ी एक कठिन बात है जो मैं बोल रहा हूं, वो सहज नहीं है, लेकिन वो भावना आपको कल्टीवेट तो करनी पड़ेगी, तो ही आप कोलैबोरेशन में काम कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रसंग बनेंगे। कोई जानबूझ के नहीं करता है लेकिन बनेंगे। स्वाभाविक है कि कभी आपसे कोई जूनियर हो उसको भी प्रमोशन मिल गया, बन सकता है। कोलैबोरेशन की भावना उस वक्त होगी तो आप खुश रहेंगे। अगर खुश नहीं रह सके तो एटलीस्ट स्थिर तो रह पाएंगे कि चलो ठीक है, मेरे जूनियर को प्रमोशन मिल गया, ठीक है मेरा परिवार का ही सभ्य है। तो ये पावर ऑफ कोलैबोरेशन है। Whoever gets the credit, I am happy. हमारी संस्था में BAPS में इस भावना से हम जीते हैं कि कोई जूनियर को भी अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई, सब उनको साथ सहकार देते हैं। कोई नया आया है लेकिन कोई अच्छे विचार से वो आगे बढ़ गया मैनेजमेंट में, तो उसको भी हम सपोर्ट करते हैं, उसके प्रति भी सद्भावना रखते हैं, उसके प्रति भी हम यही भाव से देखते हैं, काम करते हैं कि भगवान की इच्छा होगी कि आज उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आप रो के बैठेंगे, रोते रोते बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से यूनाइट होना। तो मैंने आपको कोलैबोरेशन की दो डेफिनेशन बताई। पहली डेफिनेशन क्या है? साथ में आए, मिले जुले, साथ में काम किया और सफलता प्राप्त की। दूसरी डेफिनेशन क्या है? कि किसी हमारे परिवारजन को आपसे कुछ ज्यादा मिल गया, आप सोचते हो कि मुझे मिलना चाहिए, उसको मिल गया, उस वक्त खुश रहना, स्थिर रहना और संगठन भाव बनाए रखना, वो कोलैबोरेशन है। वो डिफिकल्ट पार्ट है लेकिन वो बड़ा कोलैबोरेशन है, उसमें असली पावर जनरेट होता है। कभी बन सकता है कि पूरी जिंदगी तक आप काम करें तो भी आप नंबर टू पोजीशन पे अपने कार्यक्षेत्र में रहे, नंबर वन कभी ना बन पाए। सह्याद्री फार्म्स में इंटरनल छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स कहीं होंगे, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, तो उस डिपार्टमेंटल हेड के नीचे नंबर टू पोजीशन में शायद आपको 20-25 साल बिताने पड़े
बनता है ऑर्गेनाइजेशंस में, बनता है। उस वक्त अपने आप को स्थिर रखना, संगठन भाव का सोचना, संस्था की सोच रखना, ये बड़ा कोलैबोरेशन है। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ कोलैबोरेशन। इसका एक और अर्थ में हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे, उनके शब्द में आपके पास रखता हूं, इनटू इन्वर्टेड कॉमास, उनको वर्ड टू वर्ड नहीं लेकिन लेटर टू लेटर कोट करता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे, जहर खा के भी एकता भाव रखना पड़ेगा। क्या कोलैबोरेशन की बात है, किस लेवल की कोलैबोरेशन। इफ यू हैव टू टेक पॉइजन जस्ट बिकॉज टू कीप यूनिटी एंड कोलैबोरेशन, यू विल हैव टू टेक पॉइजन। मतलब स्थूल भाव ने पॉइजन लेके मरना नहीं है, लेकिन अपमान सहन करना वो एक पॉइजन के बराबर होता है। अपना हक होता है कि अब मेरी बारी है नंबर वन अपने डिपार्टमेंट में बनने की, मेरा प्रमोशन जारी है और कोई आ गया, बाहर से आया तो थोड़ा सहन कर सकते हैं, अंदर से पीछे से अगर कोई आ गया तो बड़ी तकलीफ होती है, वो जहर पीना होता है, इट्स लाइक पॉइजन। तो वो सहन करते हुए भी आप संगठन भाव से साथ में रहें तो बड़ा पावर जनरेट होता है। हम BAPS में इस भाव से काम करते हैं। रिस्पेक्ट द चेयर एंड यू विल नेचुरली रिस्पेक्ट द पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर। इस प्रकार की संस्था में क्या देखते हैं कि इस कुर्सी पे जो बैठा है वो मेरा बॉस है, वो भावना कब आती है, कुर्सी जो है मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा। रिस्पेक्ट द चेयर, व्यक्ति तो कोई भी बैठे, जिसके नसीब में हो, जिसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गई वो बैठ गया, लेकिन इस कुर्सी पे जो बैठा उसको रिस्पेक्ट करना है। वो मेरे से जूनियर भी हो सकता है, मेरे से कम पढ़ा भी हो सकता है, मेरे से अनुभव में भी कम हो सकता है, लेकिन अभी टॉप मैनेजमेंट ने उसको सिलेक्ट करके बिठा दिया है तो उसको नमन करना, दैट इज पावर ऑफ कोलैबोरेशन। उसको कोलैबोरेशन बोलते हैं। ये थोड़ी गहराई पे आपको ले जा रहा हूं, बहुत आपको सोच भी देनी पड़ेगी, बहुत आपको इसके पीछे अपने आप को, अपनी पूरी पढ़ाई, अपने पूरे अनुभव को, अपनी पूरी भावनाओं को इसके पीछे लगानी पड़ेगी, तो ये बात को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हमारे अभी जो गुरु हरि है महंत स्वामी महाराज, वे हमें इस प्रकार का संगठन भाव सिखाते हुए उनके शब्द में वे कहते हैं कि जब आप संगठन भाव रखते हो तब आश्चर्य सर्जित होते हैं। उनके शब्द में यू प्रोड्यूस मिरेकल्स। और वो मिरेकल एक क्या है, वो आप सभी ने देखा है सह्याद्री में कि 6-7 साल में आप कहां तक पहुंच गए, टर्नओवर 750 करोड़ का टर्नओवर 7 साल में हो गया। आज मैं जब विलासिया में घुमा रहे थे पूरे आपकी संस्था में, तब मैंने एक गोल उनको दिया है कि इसी संगठन भाव से आप चलेंगे तो अभी आप 7 साल में तो 750 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचे, 2025 तक एक जीरो पीछे लगना चाहिए। कभी अमूल भी इतना छोटा था, मतलब ये छोटा मतलब ये स्थान पे था, मैं ये कहना चाहता हूं छोटा मतलब ये स्थान पे था, कभी अमूल भी 700 करोड़ का होगा, तो वहां तक पहुंच गए, अनइमेजिनेबल हाइट्स। उसके पीछे रहस्य क्या है, जितने संस्था में कर्मचारी थे, किसान थे, मजदूर थे, सभी ने एक भावना, एक लक्ष्य और एक विचार से साथ में काम किया। तो आप भी अमूल तक जा सकते हो। आप में से कितने की इच्छा है कि हमारी सह्याद्री अमूल की कक्षा की बन जाए, हाथ ऊंचा करें। सभी के हाथ ऊंचे हैं, यही देखना है। मैं तो देख के चला जाऊंगा, ये दृश्य विलास जी को जिंदगी भर याद रहेगा,
जो अभी देखा कि हाँ अमूल की जब बात आई तब सभी ने हाथ ऊंचे किए थे कि सह्याद्री को भी अमूल तक पहुंचाना, और पहुंचा सकते हो। एक अंध व्यक्ति हिमालय सर कर सकता है, अ ब्लाइंड मैन रीच्ड एवरेस्ट। एक अंध व्यक्ति एवरेस्ट तक पहुंच सकता है, तो आप यहां बैठे एक संगठन भाव से सह्याद्री अमूल तक नहीं पहुंच सकती। आप पैरालंपिक्स देखी है आपने कभी? ओलंपिक्स तो देखी होगी, लेकिन पैरालंपिक्स में जो लेस प्रिविलेज्ड होते हैं एथलीट्स, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, पैरालंपिक्स में टोक्यो में अभी यही साल 4-5 महीने पहले करीबन 10-12 भारतीयों को मेडल्स मिले। ओलंपिक्स से पैरालंपिक्स के एथलीट्स ज्यादा मेडल लेके आए इंडिया में, और उनको ये मेडल्स मिले। फिजिकली चैलेंज थे, किसी के पास हाथ नहीं था, किसी के पास पैर नहीं था। तो शूटिंग में एक भारत के रमतवीर, एक लड़की को मेडल मिला, तो एक हाथ था ही नहीं, एक हाथ से ही शूटिंग, वैसे भी एक हाथ से करते हैं, लेकिन बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए सेकेंड हैंड की मूवमेंट और प्लेसमेंट बहुत जरूरी होती है। मेडल लेके आई। एक पैर नहीं होता है, एम्प्यूटेड हो गया होगा शायद कोई एक्सीडेंट में, ये वो है, तो प्रोस्थेटिक लिम से दौड़ते हैं, और हम लोग जहां जितने यहां बैठे हैं ना, उससे ज्यादा अच्छी तरह से और फास्ट दौड़ सकते हैं, ट्रेन किया अपने आप। ये बात कहने की वजह इतनी है कि मैं आपको तीसरे क्षेत्र में ले जाता हूं कोलैबोरेशन में, कि आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप में शायद कोई डिसेबिलिटी हो, विचार की डिसेबिलिटी हो, एटीट्यूड की डिसेबिलिटी हो, कार्य करने की क्षमता में कोई डिसेबिलिटी हो, लेकिन जब आप साथ में रहेंगे तो एक दूसरे की डिसेबिलिटी एक दूसरे की एनर्जी से एक मेक हो जाएगी, मतलब वो पूरक हो जाएगी, और आप सभी कंप्लीट हो जाएंगे, सभी कोई कंप्लीट हो जाएगा। ये कोलैबोरेशन की तीसरी बात। क्या फिर से एक वाक्य में दोहराता हूं, तीसरा क्षेत्र कोलैबोरेशन क्या क्या है, कि व्यक्तिगत रूप में शायद कोई अपने में खामी होगी, कोई कम पढ़ा लिखा होगा, कोई की कार्यक्षमता कम होगी, किसी का अभिगम कार्य के प्रति थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन साथ में रहेंगे तो एक दूसरे की शक्ति, एक दूसरे की पूरक बन जाएगी, और आप प्रगति कर पाओगे। आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि मेरी ये कोई खामी है मेरे जीवन में, मेरे में कुछ कमी है, ऐसी कोई अनुभूति आपको कभी नहीं होगी जब आप साथ में रहकर काम करते हो। तो ये कोलैबोरेशन की तीसरी बात, और आखिर बात आपको ये करनी है, हम जहां इस प्रकार की संस्था में या इस प्रकार की कोई एस्टैब्लिशमेंट में जाते हैं, तब जरूर ये कहते हैं कि साइंटिफिकली ये बात प्रूव हुई है, जब आप भगवान को प्रार्थना करते हो काम शुरू करने से पहले, जब आप भगवान को प्रार्थना करके काम शुरू करते हो, तब उनके आशीर्वाद आपको जरूर रहते हैं। ये हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन, येल, ऐसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में ये रिसर्च हुई है कि जब वर्कर्स सब काम में शुरू होते, कितने बजे काम शुरू होता है यहां, कितने बजे, 9 बजे, तो 9 बजे काम करने से पहले एक सामूहिक प्रार्थना का कुछ आयोजन, अगर एक जगह पे, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है, सभी को एक जगह पे बुलाना वो लॉजिस्टिकली सेट नहीं होगा, लेकिन ऐसा करना, सभी डिपार्टमेंट्स में आपकी ऑडियो सिस्टम लगी हुई है, कि एक सेंट्रल रूम में से आप कोई प्रार्थना बजाएं, हर डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी पहुंच गए अपने अपने डिपार्टमेंट में, पूरे एस्टैब्लिशमेंट में, वहां सब खड़े होके वो प्रार्थना में जुड़ जाए, और प्रार्थना में भी इस प्रकार का भाव रखना कि हम साथ में रह के अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। हमने बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स में देखा है कि समूह प्रार्थना करते हैं, सूरत में कहीं, हमारे गुजरात में सूरत में कई ऐसी कंपनीज है, वहां 18,000, 25,000, 30,000 लोग एक एक डायमंड कंपनी में काम करते हैं, डायमंड पॉलिशर्स,
वहाँ एसआर के श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी कंपनी है, 18,000 लोग वहाँ काम करते हैं उस डायमंड कंपनी में। लेकिन काम शुरू होने से पहले रोज 5 मिनट के लिए वे लोग प्रार्थना में साथ में जुड़ते हैं। उनको ये अनुभूति होती है कि हम एक भाव से, एक दूसरे को मदद की भावना से साथ में रहने की एक शक्ति ये हमें प्रार्थना से मिलती है। और ये सभी का अनुभव है और बड़ी बड़ी रिसर्च में ये प्राप्त हुआ है। तो एक ये प्रयोग कल से चालू कर देना। ये सजेशन, ये सुझाव आपको कैसा लगता है? हाँ या ना? अमूल की बात आई और जिस तरह से आपने हाथ ऊंचे किए थे उस तरह से इसमें नहीं किए। ये सुझाव आपको कैसा लगता है? तो कल से ये शुरू करना एंड सी द पावर ऑफ प्रेयर्स, इनवोक गॉड एंड इनवोक प्रेयर्स एंड यू सी द रिजल्ट्स ऑफ इट। साथ में ये भी रखना कि व्यसन मुक्त रहना। अब बात आई, ये जीवन में थोड़ी सी पवित्रता चाहिए। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो 50 साल से 50 सिगरेट पीते होंगे और कुछ नहीं हुआ होगा, ये भी देखे होंगे। और आपने ये भी देखे होंगे, शायद हमने तो देखे हैं, कि 2 सिगरेट पीते थे और 5 साल में कैंसर लग गया। ये पूरी रेंज में आप कहाँ हो आपको पता नहीं होगा। भारत में हर रोज, ध्यान से सुनना, भारत में हर रोज मतलब 24 घंटे में 2,000 लोग तंबाकू के कैंसर से उनकी मृत्यु होती है। 2,000 लोग मतलब हर घंटे 82 लोग। हमने ये प्रवचन शुरू किया एग्जैक्टली 1 घंटा हुआ, तो भारत में से 82 मतलब 82 पीपल, उनको तंबाकू से कैंसर से मृत्यु हो गई। आप में से कितने चाहते हो कि मुझे ये तंबाकू से कैंसर हो? हाथ ऊंचा करें। हंसे क्यों आप? आपको पता है कि ये हो सकता है, फिर भी आप ये लेते हो, करते हो, तो आप मूर्ख हो। आप में से आप जो भाई लोग मतलब जो पुरुष वर्ग बैठे हो, आप में से जो पुरुष वर्ग बैठे हो, उनमें से आप कितने लोग ये चाहते हैं कि आपकी पत्नी विधवा हो जाए? चाहते हो आप? तो ये जब तंबाकू मुंह में डालते हो या सिगरेट मुंह में डालते हो, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही ख्याल रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी पत्नी विधवा हो जाए, मेरे बच्चे बिना बाप के हो जाए, उनकी पढ़ाई बिगड़ जाए, वो पढ़ ना सके, वो मजदूरी की ओर चला जाए, कुछ भी हो जाए उन लोगों को मुझे चिंता नहीं है, मुझे ये 50 पैसे की ये तंबाकू ज्यादा प्यारी है। ये हुआ ना? हाँ या ना? एक 50 पैसे की तंबाकू की एक छोटी सी पैकेट में आप कितना बड़ा रिस्क लेते हो पता है आपको? रिस्क। आप लेते हो किसी भी प्रकार का तो आप मूर्ख हो। ये एसआर की जो मैंने बात की, ये अंतिम बात पूरी करते हुए मैं पूरा करता हूं कि ये एसआर के श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स, उनके मुख्य व्यक्ति है श्री गोविंद भाई, उन्होंने ये नियम रखा है कि 18,000 कर्मचारी जो है वो व्यसन मुक्त होने चाहिए। किसी को व्यसन हो तो उस कंपनी में उसको जॉब ही नहीं मिलती है, और जॉब पे आने के बाद या एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद मतलब उस कंपनी में रोजगार मिलने के बाद अगर उसको व्यसन शुरू हुआ और वो पकड़ा गया तो उसको कंपनी से बरतरफ करते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार देने के वक्त ऑफिशियली वो अपॉइंटमेंट लेटर में ये बात लिखी हुई होती है और सिग्नेचर होती है। अगर ये बात यहां करते हैं तो कैसी रहेगी?
मर गए नहीं, हम तो आपके अच्छे के लिए बात करते हैं। आपने कोई संत को बुलाया है बात करने के लिए तो हम आपके अच्छे के लिए बात करेंगे। पहली दफा हम जीवन में मिलते हैं, दूसरी दफा मिले न मिले भगवान की इच्छा, लेकिन आज आए हैं तो आपको जो सही बात है वो करनी है। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें तो ठीक है करते हैं, लेकिन जो सही बात है आपके जीवन के लिए, आपकी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, आपकी सुखाकारी के लिए, वो बात हम करेंगे। आप जो तंबाकू लेते हो आपको धर्मपत्नी को पसंद है, हाँ या ना? बोलते क्यों नहीं हो? खाने के वक्त तो प्रेम से खाते हो, तभी अभी क्यों मुंह बंद हो गया जवाब देने में? बताएं, अच्छा लगता है या नहीं? जोर से बोले। आपके बच्चों को अच्छा लगता है तो फिर आप क्यों लेते हो? और कभी कुछ दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जांच करके इतना ही बताया कि आपको कैंसर है, थर्ड स्टेज में या फोर्थ स्टेज में है, आपके पास अभी सिर्फ 2 महीने हैं, तब रोना भी नहीं आएगा, तब आपको ये बात याद आएगी। जब डॉक्टर बोल देंगे कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि फोर्थ स्टेज कैंसर है आपको, तब रोना भी नहीं आएगा। इतना अच्छा जीवन भगवान ने दिया है, 70-80 साल का परिवार आप सभी को दिया है, ये सयादी फार्म्स, इतनी अच्छी एक संस्था में आप काम करते हो, मतलब आपका एक भविष्य सुरक्षित अच्छा है, तो क्यों अपने आप को जानबूझ के आप डुबा देते हो? तो ये थोड़ी बातें थी, पावर ऑफ कोलैबोरेशन की बातें थी, थोड़ी जीवन शुद्धि की आपको बात की, भगवान में श्रद्धा की बात की। आप सभी के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं, आप सभी की व्यक्तिगत तरक्की भी बहुत हो, आपकी ये संस्था सह्याद्री फार्म्स, ये सह्याद्री फार्म्स, इसकी भी तरक्की बहुत हो, अमूल की कक्षा तक पहुँचें, और जब पहुँचेंगे तब दोबारा एक बार ये प्रसंग करेंगे, ये बात याद करेंगे। आप सभी के लिए, आप परिवार के लिए खूब खूब प्रार्थना। जय स्वामीनारायण।